अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो भुवि सुवसाय सुपञ्च नमो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशिन् परमं भुवि मङ्गलम् चत्वारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साधु मङ्गलम् केवलीपणतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं भवजामि अर्हन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं भवजामि। गुणस्थान विवेचन के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। गुणस्थानों के आधार से चलने वाली इस चर्चा में कल तक हम पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान तक की चर्चा कर चुके हैं और आज हमारे को यहाँ चौथे गुणस्थान की चर्चा करनी है। बहुत से लोग नए होंगे ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं बहुत संक्षेप में आपको पिछले गुणस्थानों की चर्चा एक बार बतलाना चाहता हूं, जिससे कि वो विषय आप लोगों के आगे स्पष्ट हो जावे। गुणस्थान क्या चीज है? ये जैन दर्शन का एक बहुत सुंदर पारिभाषिक शब्द है, गुणस्थान। ऐसा नहीं है कि जहां बहुत गुण होंगे उसका नाम गुणस्थान होगा। गुणस्थान श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था का नाम है। हम सभी जीव हैं, आत्मा है, जीव में ही ये गुणस्थान होते हैं। संसारी जीवों में होते हैं ये सभी गुणस्थान, और संसारी जीवों के भी श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, बाकी और गुणों से इन गुणस्थानों का संबंध नहीं है। जैन शासन में इन गुणस्थानों की संख्या 14 बतलाई गई है। कहने का मतलब यह है कि 14 स्तर बतलाए हैं संसारी जीवों के। संसारी जीव विविध प्रकार के स्तरों में पाए जाते हैं और उनके वो लेवल 14 प्रकार के कहे हैं, जिनमें सबसे पहला लेवल मिथ्या दृष्टि जीवों का है। जितने भी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, एकेंद्री से असैनी पंचेंद्री तक के जीव हैं, वो सब पहले गुणस्थान वाले हैं। वे सभी जीव मिथ्या दृष्टि हैं, ठीक है। फिर आगे ऊपर के गुणस्थानों में इस मिथ्यात्व गुणस्थान से अधिक उज्ज्वलता जिनके जीवन में हो गई है, विशेष विशुद्धि जिनके जीवन में हुई है, उन सब के फिर आगे ऊपर ऊपर के गुणस्थान हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, जब वो सम्यक दृष्टि होता है, तब वो मोक्ष मार्गी हो जाता है और उसके जीवन में गुणस्थान प्रारंभ होता है चौथा। पहले से चौथे गुणस्थान में चला जाता है। हम यहाँ चौथे की चर्चा करने वाले हैं। अब वो सम्यक दृष्टि जीव जो चतुर्थ गुणस्थान वाला है, वो कदाचित वहां उस स्थिति में टिक ना पाए, तो कदाचित नीचे गिरे, तो तीसरे गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान की स्थिति बनती है बीच में। मिथ्यात्व में आने के पहले तीसरे और दूसरे गुणस्थान की परिस्थिति बनती है। यह अलग प्रकार की स्थिति है कुछ, जो उनके जीवन में होती है, कदाचित हो सकती है, कदाचित नहीं भी हो सकती है। हम यहां अभी बात करेंगे चौथे गुणस्थान के संदर्भ में। देखिए आप पेज नंबर 106, 106 नंबर का पेज क्या कहते हैं यहां अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान के बारे में, कि चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है।
इस गुणस्थान की विस्तार पूर्वक चर्चा करने के पहले चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय कर्म का क्या निमित्त पना है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। थोड़ा सा विषय हो सकता है आप लोगों को समझने में जटिल लगे, क्योंकि पिछली बातें यदि याद में नहीं याद नहीं होगी और विशेष स्वाध्याय नहीं है तो थोड़ा सा आपको उसमें उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा। थोड़ा सा मन को एकाग्र करके समझने का प्रयास करेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, सम्यक दर्शन का संबंध कर्मों की सात प्रकृतियों से है मुख्यतः। पिछले दिनों में भी मैंने इस तरह की बात कही है, जब भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है या मिथ्यात्व का अभाव होता है तो उस जीव के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार प्रकृतियां, और दर्शन मोहनीय की तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, जिसका दूसरा नाम सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व या सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय, तीन और चार वो थी क्रोध, मान, माया, लोभ, सात प्रकृतियां हो गई कुल। अब सम्यक दर्शन का संबंध इन सातों कर्म प्रकृतियों के क्षय से, उपशम से, क्षय उपशम से है। क्या कहा? सम्यक दर्शन जब भी किसी जीव को होगा तो इन सात कर्म प्रकृतियों से उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। इन सात कर्म प्रकृतियों का क्षय भी हो सकता है, क्षय माने नष्ट होना। ये सातों कर्म प्रकृतियां दब भी सकती है, उसका नाम इनका उपशम होना। इन सातों कर्म प्रकृतियों में कुछ का क्षय हो सकता है और कुछ का उपशम माने वो दब सकती है। समझ में आ रही है बात? तो ये तीन प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है, सात याद रखें बस आप। तो उन सातों का यदि अभाव हो गया, वे सात कर्म प्रकृतियां यदि नष्ट हो गई तो उस सम्यक दर्शन को हम कहेंगे क्षायिक, क्षय हो गया ना, इसलिए उसका नाम क्षायिक सम्यक दर्शन। यदि ये सात कर्म प्रकृतियां दब गई, उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं उपशम, उसे कहेंगे उपशम सम्यक दर्शन। ठीक है, फिर तीसरे प्रकार की कंडीशन है कि सात में से चार कर्म प्रकृतियों का क्षय अनंतानुबंधी क्रोधादिक का और तीन का दबना, तो क्षय और उपशम, नष्ट होना और दबना, वो कहलाता है क्षय उपशम। ख्याल में आ गई बात? मतलब सम्यक दर्शन तीन प्रकार के, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन, और उनका संबंध इन सात कर्म प्रकृतियों के क्षय, उपशम और क्षय उपशम से है। बस इसी बात को यहां इन्होंने नीचे बतलाया है, पूरा प्रकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा और फिर यदि कुछ नहीं समझ में आए तो फिर शंका समाधान का कार्यक्रम भी अपन कहीं समय निकाल के आधे घंटे का रख सकते हैं, है ना, इसमें तत्व चर्चा भी हो सकती है, अंतिम सेशन में भी रख सकते हैं ऐसा कुछ, सिर्फ आधे घंटे के लिए, जिसमें यदि आप लोगों को कोई बातें पढ़ने पर नहीं समझ में आई हो, चर्चा करने पर नहीं समझ में आई हो, तो हम उनके जवाब और उनके समाधान की बात कर सकते हैं। देखिए आप पेज नंबर 108, 108 नंबर पेज पर, जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा बतला दी है, इस गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। अविरत माने व्रत नहीं होना, बराबर, और सम्यक्त्व माने श्रद्धा की निर्मलता। सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक माने सच्चा और दर्शन माने श्रद्धा। जिसकी श्रद्धा सच्ची हो गई हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। आप समझ रहे हैं श्रद्धा सम्यक होने का क्या मतलब है?
मान्यता सच्ची हो गई, भरोसा उसका बराबर हो गया। सम्यक दर्शन का अर्थ अच्छा देखने से नहीं है। कई बार तो कई ऐसे नए लोग होते हैं जिनसे हम चर्चा करें सम्यक दर्शन करने योग्य है, तो सोचते हैं कि हाँ सम्यक दर्शन के लिए तो अच्छे डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, आंखें टेस्ट करवानी पड़ेगी तो अच्छे से बराबर से हमारे को दिखे तो सम्यक दर्शन हो। तो आंखों से देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। विश्वास, मान्यता, भरोसा, श्रद्धा के बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। हमारी श्रद्धा विपरीत है, श्रद्धा में उल्टी मान्यता है और वो श्रद्धा बदल गई तो सम्यक दर्शन हो गया। देखिए, आचरण बदले चाहे ना बदले, प्रवृत्ति, आचरण, जीवन, लाइफ, उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन विश्वास एकदम बदल गया। यहां विश्वास का अर्थ भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग विश्वास का भी बराबर अर्थ नहीं समझते। भरोसे का अर्थ क्या समझते हैं अपन? कई बार डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि साहब ये तो अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो आप भगवान पे भरोसा रखो, अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। ऐसा कहते हैं कई बार डॉक्टर किसी मरीज की हालत बहुत बिगड़ जाने पर, तो हम उसको समझते हैं कि भरोसा रखो। मिलने वाले भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, भरोसा रखो साहब, भरोसा रखो। ये क्या भरोसा रखें कि भगवान सब ठीक कर देंगे, ये भरोसा रखो। इसका नाम सम्यक श्रद्धा नहीं है, इसका नाम भरोसा नहीं है, इसे विश्वास नहीं कहते हैं। भगवान ठीक कर देंगे यह मान्यता सही नहीं है, इसका नाम भगवान पर श्रद्धा नहीं है। भगवान पर श्रद्धा का अर्थ तो यह है कि भगवान वीतरागी है। भगवान पर श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते। भगवान पर श्रद्धा का अर्थ यह है कि उनके केवल ज्ञान में जो झलका है वही होगा। ये भगवान पर श्रद्धा का वास्तविक अर्थ है। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिस जीव के जीवन में ये चौथा गुणस्थान होता है, उस जीव के जीवन में मिथ्यात्व का अभाव हो गया, माने उसकी मान्यताएं सही हो गई। अब उसकी मान्यताओं में गलतपना नहीं है, व्रत नहीं है अभी, इसलिए तो अविरति है। इस सम्यक दृष्टि जीव का नाम है अविरति, माने व्रत नहीं है किंतु सम्यक्त्व है, श्रद्धा बराबर है, ऐसे शब्द दिए हैं। माने हिंसादिक कार्यों से पूर्णतः विरक्त नहीं हो गया, अभी संयमी नहीं हुआ, अभी मुनि नहीं बना है, अभी अनुव्रति नहीं हुआ है, अभी प्रतिमाधारी नहीं हुआ है, अभी बाहर में उसने व्रतादिक को अंगीकार नहीं किया है, सिर्फ अंदर की मान्यता बदली है। बाहरी लाइफ हो सकता है वैसे की वैसे चलती रहे जैसे अब तक चल रही थी, दुकान जाएगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, घर गृहस्थी में रहेगा, परिवार के बीच में रहेगा, संभालेगा, खाएगा पिएगा, घूमेगा फिरेगा, सब कुछ जैसी उसकी लाइफ अभी तक चल रही थी, नॉर्मल लाइफ, वो वैसे की वैसे चलती रहे लेकिन अंदर से परिवर्तन हो गया। बाहर में देखने पर कुछ भी नहीं बदला और अंदर से देखने पर पूरी तरह से बदल गया, उसका नाम है सम्यक दर्शन। बाहर से फोटो खींचने पर जैसी पहले फोटो आती थी वैसी आएगी, ऐसा थोड़ी ना सम्यक दर्शन हो गया। और मान लो किसी के सर में बाल नहीं है और सम्यक दर्शन होते ही अब सर में बाल आ जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। और मुख में दांत नहीं है तो सम्यक दर्शन होते ही अब तो दांत आ जाएंगे? सम्यक दर्शन होने पर चेहरे की झुर्रियां मिटेगी क्या? नहीं सुरेश भाई, सम्यक दर्शन होने पर घुटनों का दर्द बराबर ठीक होगा? अरे भाई, इन बातों से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। तो फिर सम्यक दर्शन होते ही मुनि बन जाएगा? ऐसा भी नहीं है। तो किससे संबंध है? श्रद्धा से, क्योंकि सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान है। और यह बात मैं पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, गुणस्थानों का संबंध श्रद्धा से और चारित्र गुण की पर्याय से है, गुणस्थानों का संबंध ज्ञान से नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति से नहीं है। अंतरंग में श्रद्धा गुण का परिणमन और चारित्र गुण का परिणमन, उससे यहां सम्यक दर्शन अधिक का यह गुणस्थानों का संबंध है। चर्चा विगत 4-5 दिनों से चल रही है, उसी चर्चा को अपन यहां आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आप, इस चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहा गया। आगे वाले पैराग्राफ में ये बात कही है
कि इस चौथे गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। देखो हम सब संसारी जीव हैं और प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, ये आप निश्चित मान करके चलिए कि संसारी जीव पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। पूर्ण सुखी है हमारे परमात्मा। दुनिया के सब दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो इस तरह की बात कहता है कि आप अकेले भक्त ही नहीं बने रहे, भगवान भी बन सकते हैं। एकमात्र धर्म है ऐसा, एकमात्र दर्शन है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म जैन कुल में हुआ, यहां भक्त नहीं भगवान बनने की बात बतलाई जाती है, सिखाई जाती है। हाँ अब आप ऐसी बात मत करना कि साहब भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है पंडित जी, भगवान बनना तो छोड़ो, पहले इंसान बनने की बात तो बताओ। भगवान तो बात की बातें हैं, पहले अच्छे इंसान तो बन जाएं। तो भाई देखिए, हम आपको इंसान तो मान के ही चलते हैं, अब हमें क्या मालूम कि आप अपने आप को इंसान भी नहीं मानते। इसलिए इंसान तो आप हैं ही, क्या बात तो ऊपर चढ़ने के लिए कही जाती है, उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, इसलिए चर्चा तो हम ऊपर की ही बात करेंगे। हाँ अब भूमिका अनुसार जब जैसा होना होगा वैसा होगा। जहां तक बाह्य आचरण का सवाल है, हम आगे वाले दोपहर के सेशन में उस आचरण की भी चर्चा करेंगे, उस प्रवृत्ति की भी चर्चा करेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में कैसी पवित्रता होनी चाहिए, कैसी निर्मलता होनी चाहिए, कैसी विशुद्धि होनी चाहिए, बाह्य आचरण कितना पवित्र होना चाहिए, उसकी चर्चा भी हम आगे वाले सेशन में करेंगे। अभी तो ये बात समझ लीजिए कि जो जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीव पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, उन जीवों के लिए ये मार्ग है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन आदि से प्रारंभ होता है, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से प्रारंभ होता है। आपने तत्वार सूत्र का वो सूत्र तो कई बार सुना होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, सुना है ना सभी ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों और इन तीनों की एकता, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, जिसकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं। ये सम्यक दर्शन साधारण चीज नहीं है जिसकी यहां बात की जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक श्रावक के जीवन में। ये सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, साधक की कैसी दशा होती है, और इस सम्यक दर्शन हो जाने पर किस तरह की विशिष्ट परिस्थितियां बनती है, इसका बहुत सुंदर चित्रण यहां किया गया है। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, लेकिन लंच के बाद वाला जो अपना सेशन होगा उसमें अपन थोड़ी स्थूलता से बहुत सरलता से चर्चा करेंगे। ये थोड़ी सी इसमें जटिलता लग सकती है, कोशिश करूंगा बहुत सरल करने की। देखिए 108 पेज पर, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ जहां शुभ राग अर्थात पुण्य परिणाम के विषय सच्चे देव शास्त्र तथा गुरु होते हैं, उसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अतः दोनों सम्यक दर्शन एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में निश्चय सम्यक दर्शन की बात कही थी, जिसमें सम्यक दर्शन को वीतरागता में बतलाया, संवर निर्जरा में बतलाया, सम्यक ज्ञान के साथ में बतलाया, और दर्शन मोहनीय कर्म या घातिया कर्म उनके उपशम क्षय और क्षय उपशम स्वरूप बतलाया, वो निश्चय सम्यक दर्शन। और व्यवहार से देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। ये चौथा गुणस्थान ऐसा है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भी उसके जीवन में हो सकता है। मिथ्यात्वी के जीवन में तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के जीवन में तीर्थंकर कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति के साथ साथ हो सकता है और कर्म प्रकृतियां भी, अनेकानेक सातिशय पुण्य कर्म प्रकृतियों का बंधन भी वहां होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही चक्रवर्ती हो सकता है, सम्यक दृष्टि के जीवन में ही नारायण प्रतिनारायण आदि पदवियां बंधती है। आप देखिए जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं,
उन सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में ऐसी पदवी बंधती है कि चक्रवर्तित्व पद की प्राप्ति होवे। हम लोग सब विषय भोगों में रचे पचे लोग हैं, हमें सब लोगों की ऐसी दशा दिखाई देती है अपने जीवन में कि अधिक कमाएं, अधिक पैसा इकट्ठा करें, अधिक जोड़ें, अधिक एकत्रित करें, लेकिन भाई जोड़ जोड़ करके आज तक कभी कोई चक्रवर्ती नहीं बना। आप सोचिए, जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट का वैभव सुना है आप लोगों ने? कैसे होते हैं चक्रवर्ती सम्राट? वे चक्रवर्ती सम्राट छह खंड की विभूति के अधिपति होते हैं क्या? आपके अमेरिका के शासक ओबामा जी की ताकत तो उस चक्रवर्ती के सामने समझ लीजिए कुछ नहीं है, समुद्र में बूंद बराबर है। माने ऐसी स्थिति होती है चक्रवर्ती की, छह खंड का अधिपति, 32,000 राजा जिसके अधीन होते हैं, 96,000 रानियां, 84,00,000 हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न और 9 निधियां जिसके जीवन में होती है, तो कैसा चक्रवर्ती सम्राट होता होगा? अरे वो जो चक्रवर्ती सम्राट है, उस चक्रवर्तित्व पद की प्राप्ति, उस अपार वैभव और संपदा की प्राप्ति सम्यक दृष्टि यानी जीवों के साथ में, सम्यक्त्व के साथ में बंधने वाले पुण्य से होती है। मिथ्या दृष्टि जीव कितना ऐसा उत्कृष्ट पुण्य नहीं बांध सकता कि नारायण प्रतिनारायण हो जाए, चक्रवर्ती हो जाए, तीर्थंकर हो जाए। सम्यक दृष्टि के जीवन में ही हो सकती है ऐसी स्थितियां, सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। ये महिमा है सम्यक दर्शन की, ये सम्यक दर्शन की एक बार महिमा हमारे को आए कि सम्यक दर्शन चीज क्या है जिसकी यहां चर्चा चल रही है, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा ज्ञानी जीव बन जाता है, मर करके नरक में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव एकेंद्रीय नहीं होता, विकलत्रय नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। आप देखिए तो सही, देव गति में भी जाता है तो उत्कृष्ट जाति का देव होता है। ये सम्यक दर्शन होने के लाभ हैं। हाँ हाँ, छूट जाता है, छूट जाएगा सम्यक्त्व तो फिर वो चक्रवर्ती नरक में भी चला जा सकता है, सिभाव में छूटा। जब उसने चक्रवर्तित्व पद बांधा था, जब उसने तीर्थंकर पद की प्राप्ति बांधी थी, उस रूप पुण्य बांधा था, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र आदि रूप पुण्य बांधा था, उस समय वो जीव सम्यक दृष्टि था। माने सम्यक दर्शन की भूमिका में ही इस प्रकार का उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधता है। आप जानते हैं लौकिक जितने भी कार्य होते हैं वो सब पुण्य के उदय से होते हैं। सर्वोत्कृष्ट पुण्य जिनके जीवन में फलित होता हुआ दिखाई देता है, हमें तो ये बाहरी पुण्य थोड़ा बहुत आनंददायक दिखता है, लेकिन क्या दम है इस पुण्य में? पुण्य के उदय से थोड़ा सा वैभव हो गया, थोड़ी सी संपत्ति हो गई, थोड़ा सा धन दौलत वैभव इकट्ठा भी हो गया, लेकिन कितने दिन चलेगा वो पुण्य का उदय, कितने दिन टिकेगी वो चीज, क्या होगा जब वो छूट जाएगा? छूटना तो छोड़िए, कदाचित ऐसा भी तो हो सकता है कि भोगने की सामर्थ्य न रहे, फिर क्या होगा? हम तो यहां सम्यक दर्शन के माध्यम से वो उपाय बतलाना चाहते हैं कि बाहर में संपत्ति हो या ना हो, बाहर में अनुकूलताएं हो या ना हो, बाहर में प्रतिकूलताएं कितनी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, घटनाएं कैसी भी हो, परिस्थितियों का आना, विपरीत परिस्थितियों का जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे देखना, उन परिस्थितियों में कैसे जीना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। परिस्थितियां तो आएगी, वो तो लाइफ का पार्ट है एक, लेकिन उस परिस्थिति में आर्ट क्या है, हम देख कैसे रहे हैं उसे, हम जी कैसे रहे हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, उन घटनाओं में भी हम दुखी कैसे ना हो, बस उस स्थिति का नाम है सम्यक दर्शन। ये सम्यक दृष्टि यानी जीवों के पुण्य संबंधी यहां थोड़ी बहुत बात कही है। फिर देखिए आगे चलकर के कुछ कर्णानुयोग की अपेक्षा से इस चतुर्थ गुणस्थान का स्पष्टीकरण किया है। पेज नंबर 108 पर नीचे देखिए आप, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, चौथे गुणस्थान में मात्र एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है। चार कषाय चौकड़ियां होती है,
अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये चार प्रकार की कषायें होती है। क्रोधमान माया लोभ तो है ही सब में, इन चारों प्रकार के स्तरों में अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है सम्यक दृष्टि के, बाकी तीन कषायें मौजूद है अभी। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि को गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि किंचित मात्र भी लोभ नहीं होगा, ये सब भी उसके जीवन में होंगे क्योंकि अभी वो घर में रहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा कुछ काम हो गया हो। काम तो बहुत बड़ा हुआ है, अंदर में तो अपूर्व क्रांति हुई है लेकिन बाहर में दिखाई नहीं देगी। वो आंतरिक क्रांति बाहर से नहीं दिखाई देती है, वो आंतरिक अपूर्व क्रांति है। देखिए क्या कहा यहां, चौथे गुणस्थान में एकमात्र एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, उस कारण आंशिक वितरकता भी है, लेकिन दो कषाय चौकड़ी का अभाव है और ना ही, ना तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव है और ना ही अणुव्रतों का ग्रहण रूप राग भाव अर्थात पुण्य परिणाम है, अतः चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के अविरति है। चौथे गुणस्थान का नाम कहा अविरत या अविरति और सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व माने अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनीय, इन सात कर्म प्रकृतियों का ना होना ये सम्यक दृष्टि हो गया, बराबर। अब लेकिन अविरति क्यों है, तो अविरति कहकर के यहां कहना चाह रहे हैं अणुव्रति नहीं है, महाव्रति नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, अभी कपड़े पहने हुए हैं, अभी उनके जीवन में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन पांच पापों का पूरी तरह से त्याग नहीं है। हो सकता है अभी स्थूल त्याग भी उसने नहीं किया हो, ठीक है ना, क्योंकि अणुव्रति नहीं हुआ है अभी, वो ऐसा अविरति है। अविरति का भी यहां स्पष्टीकरण किया गया, बहुत सुंदर चर्चा की अविरति के बारे में, क्योंकि सम्यक दृष्टियों का स्वरूप समझना एक बात बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या सम्यक दृष्टि की हम चर्चा करते समय तुरंत ऐसी बातें करने लगते, ये पर सम्यक दृष्टि, ये देखो ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन हमने खीर खाते हुए देखा था, तो क्यों सम्यक दृष्टि खीर नहीं खाएगा, उसमें क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो हलवा नहीं खा सकता है क्या, सम्यक दर्शन हो गया है तो वो दुकान पर नहीं बैठ सकता है क्या। मतलब हमारे दिमाग में सम्यक दर्शन के संदर्भ में न मालूम किस तरह की एक धारणा बन गई है। मैंने एक दिन कही थी कि सम्यक दृष्टि होगा तो क्या जींस पैंट नहीं पहनेगा, टी शर्ट नहीं पहनेगा क्या, है ना, सम्यक दृष्टि होगा तो ये सब हो सकता है ना, सम्यक दृष्टि होगा तो शेव नहीं बनाएगा कि एकदम दाढ़ी बड़ी रहेगी सम्यक दृष्टि के, नहाएगा भी तैयार भी होगा, है सम्यक दृष्टि है तो इसका मतलब कोई बहुत कुछ नहीं बदल गया है। मैं तो कहता हूं सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में होते हैं, नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं, त्रियंच गति के जीवों के भी गुणस्थान चौथा हो सकता है, देव गति के जीवों में भी चौथा गुणस्थान हो सकता है और मनुष्यों में तो होता ही है। माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि चारों गतियों में हो सकती है तो उसका स्तर किस प्रकार का होगा। आज यदि कोई एक त्रियंच गति का जीव है, कुत्ते को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसका खान पीन कैसा होगा। शेर को तो सम्यक दर्शन की चर्चा सबने सुनी ही है ना, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे और भगवान महावीर स्वामी का जीव दस भव पहले शेर की अवस्था में था, हिरण को फाड़कर खा रहा था, सबको मालूम है ना, और उन दोनों मुनिराजों ने आकर के कुछ उपदेश दिया, जाने ऐसा क्या उपदेश दिया होगा, क्या मंत्र पढ़ दिया तो सम्यक दर्शन हो गया है? क्या हुआ होगा, क्या उपदेश दिया होगा जी उन्होंने, क्या उपदेश दिया होगा शेर को दो मुनिराजों ने आकर के कि उसको सम्यक दर्शन हो गया। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी आप भी बस वही उपदेश दे दो कि हमारे को भी सम्यक दर्शन हो जाए, जो उन्होंने बात समझाई थी ना, ये ज्यादा इतना इतना सात सात आठ आठ घंटे के दिन भर कार्यक्रम,
ये इतना लंबा लंबा सिटिंग करना बैठना, और देखो हम लोगों को तो बैठने में चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी तो तकलीफ होती है। मतलब मेरी तकलीफ का बहाना बना करके और स्वयं नहीं बैठना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश दिया होगा, क्या कहा होगा और शेर क्या समझ पाया होगा, कितने घंटे की क्लास ली होगी शेर की। अब तो शेर की शामत आ गई होगी, मुनिराज आ गए हैं, कोई हाथ में लकड़ी लेकर के कोई डांटा होगा उसको, क्या कर रहा है नालायक, छोड़ इसको, ये सब अच्छा काम नहीं है, ऐसा किया होगा। बहुत विनम्र शब्दों में बहुत सरल सा उपदेश दिया होगा, और उसमें भी सच्चाई यह है, मैं जब उसके बारे में गहराई से विचार करता हूं तो हमें ऐसा लगता है कि मुनिराज शेर की भाषा में बोल नहीं सकते। बोलो, मुनिराज को तो पता नहीं है शेर की कौन सी लैंग्वेज होती है, तो फिर शेर ने कहीं ट्रेनिंग ली होगी कि वो मुनिराज आएंगे पढ़ाने के लिए, वो कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे, मुझे वो भाषा सीख लेनी चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। मतलब मुनिराज शेर की भाषा में नहीं बोल सकते और शेर मुनिराजों की भाषा नहीं समझ सकता, अब उस उपदेश का क्या मतलब रह गया। बोलो, मैं किसी ऐसी लैंग्वेज में यहां बोलूं चाइनीज में कि जो आप लोग कुछ नहीं समझ पाए, तो उस उपदेश से आपको कितना लाभ मिलेगा। बोलो, कुछ नहीं, समझ में ही नहीं आती वो लैंग्वेज। यहां तो चलती है ना और कई तरह की लैंग्वेज, कौन कौन सी चलती है इंग्लिश के अलावा, फ्रेंच और कौन सी, स्पेनिश चलती है, बहुत चलती है, बहुत सारे लोग, कई बार कुछ लोग ऐसे बोल रहे होते हैं तो मैं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो मालूम चलता है कि ये तो और अदर लैंग्वेज है। तो मतलब ऐसी किसी लैंग्वेज में यहां चर्चा करें तो कितनी बात समझ में आएगी, कुछ भी नहीं है। फिर भी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब अंदर से उसकी मान्यता बदल गई। कैसी मान्यता बदल गई, स्वरूप बदल गया कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये आत्मा कौन है, मैं ये शरीर वाला नहीं हूं, मैं खाने पीने वाला नहीं हूं। ये दो व्यक्ति जो सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों को देखकर अंदर में ऐसा भाव आया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक मेरे सामने किसी व्यक्ति को निर्भीकता से खड़े हुए नहीं देखा। बोलो, ऐसा तो सोच सकता है वो, शेर के सामने कौन टिके, आज तक उसने अपनी लाइफ में पशु पक्षियों को भागते हुए देखा होगा, जहां जाता होगा वहां भाग जाते होंगे, जहां हिरणों का झुंड है और वहां शेर पहुंच गया तो सब भाग जाते होंगे, जहां कबूतर है, पशु पक्षी है, जहां भी है और शेर वहां दौड़ता हुआ आ रहा है तो सब भाग जाते हैं। उसने आज तक अपनी लाइफ में किसी को शांति से खड़े हुए नहीं देखा, ये पहला मौका है जब दो व्यक्ति शांति से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, निर्भीकता से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी चेहरे पर भय नहीं है, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, चिंता नहीं है, क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो मारने के लिए नहीं आए हैं। समझ में आ रही है बात, अत्यंत करुणा भाव, अत्यंत शांत मुद्रा, अत्यंत शांत छवि, और पता नहीं क्या किसी विनम्रता से, पता नहीं मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी निर्भीकता को देख करके ऐसा लगता है इनको मौत का डर नहीं लगता, क्या सोचा होगा, मौत से घबराहट नहीं होती इनको, मैं इनको फाड़ करके खा जाऊंगा, इनको डर नहीं लग रहा है, इनको मेरी क्रूरता देख करके भी घबराहट नहीं हो रही है कि हिरण को फाड़ करके खा गया हूं और ये मेरे सामने चल करके आ गए हैं। कुछ हाथ से इशारा कर रहे हैं मुनिराज, ये तुझे योग्य नहीं है, ये कार्य तेरे योग्य नहीं है। देखो आप, मुनिराजों के स्वरूप को देखा, आत्म स्वरूप को देखा, उनके निर्भीकता को देखा, आत्मा की अजरता और अमरता ख्याल में आ गई, सम्यक दर्शन हो गया, अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन ले लिया उसने, ये परिवर्तन हो जाता है। ऐसे आंतरिक परिवर्तन का नाम सम्यक दर्शन है। अभी मुनिराजों ने ये नहीं कहा उसको कि अरे नालायक, उपदेश शुरू कर रहे हैं, जा पहले कुल्ला करके आ, मुख में मांस है, ये खून टपक रहा है पंजों से, जा पहले हाथ धो करके आ, उसके बाद में तेरे को उपदेश देंगे। अरे अरे, बाहर में सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर में उसका त्याग हो गया है, मांस आधा मुख में है, आधा दांत में है, दांतों से खून टपक रहा है, पंजे खून में लथपथ है, लेकिन उसके बावजूद भी मांस का त्याग हो गया है उसके जीवन में। कई लोग कहते हैं कि मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया, अरे मांस खाते खाते नहीं हुआ था, मांस खाना छोड़ने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, अब
तो छूट गया। अब फोटो खींचोगे तो आपको वैसा ही दिखाई देगा, अंदर की श्रद्धा बाहरी आचरण से नहीं दिखाई देती है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन आंतरिक क्रांति है या भूतपूर्व क्रांति है। कितना बदल गया है उसका अभिप्राय, अब सोच बदल गई है, अब चिंतन बदल गया है। अब बाहर में देखने पर वो जैसा था वैसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर से अभिप्राय, मान्यता, विश्वास, वो सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ज्ञानियों के जीवन में। मैं कई बार कहता हूं इन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की स्थिति ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की स्थिति किसी बालिका का संबंध निश्चित हो जाने पर होती है। शादी हो जाने की बात नहीं कह रहा, लेकिन सगाई हो गई ना, क्या तो सगाई हो जाने पर अब उसकी मान्यता कैसी होती है और आचरण कैसा दिखता है। आचरण तो वैसा ही दिखेगा, अभी सगाई हो जाने के बावजूद भी उसी घर में रह रही है जिस घर में पहले रहती थी। सगाई हो जाने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ बतलाइए, उसी घर में है, वहीं उठती बैठती है, वहीं खाती पीती है, वहीं रहती है, वहीं आस पड़ोस में खेलती कूदती है। बिल्कुल न पहनावे में फर्क है, न खान पान में फर्क है, न रहन सहन में फर्क है, लेकिन मान्यता में अब ये घर नहीं है मेरा, अब तो बोलो ऐसी स्थिति हो कि उसके हस्बैंड जो होने वाले हैं वो भी शेयर्स का काम करते हो, हैं, और उसका भाई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बराबर। अब ऐसा हो कदाचित, क्या स्थिति कि उसके भाई को बहुत प्रॉफिट हुआ, क्या 10 लाख का प्रॉफिट हुआ उसको, हजारों डॉलर का, मिलियंस का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो जो है ना हस्बैंड, क्या जो होने वाला है, उसको नुकसान हुआ, तो घर में सबके चेहरों पर प्रसन्नता है, क्या और इसके अंदर में क्या लगता है, ये अपना नहीं है ना, क्या इसको जो मिला है ना, इसके इसको कितना भी प्रॉफिट हुआ हो लेकिन अपने तो नुकसान हो गया, क्योंकि अपनापन उसका वहां जुड़ चुका है। समझ में आ रही है बात, उसको वहां दिखता है, उसको यहां घर में, जिस घर में रह रही है, यहां प्रॉफिट होते हुए भी उसको अभी लाभ नहीं दिखाई दे रहा, उसको नुकसान दिख रहा है, उसकी फीलिंग वहां से जुड़ी हुई है। मैं कहता हूं स्थिति उल्टी हो, मान लो कदाचित क्या ऐसी स्थिति हो कि उनको बहुत प्रॉफिट हो, क्या और भाई को नुकसान हो जाए, सब घर के समझ लीजिए उदास है कि कितना नुकसान हो गया है, और थोड़ा सा खेत खिन्नता तो है ही, एकदम मार्केट इतना डाउन हुआ और इतना सब नुकसान हो गया, तो भी इसके जीवन में, इसके अंतरंग परिणामों में वो दुख और तकलीफ नहीं दिखाई देती है। और कदाचित कोई पूछ ले रहे कि क्या बात है भैया को इतना नुकसान हो गया, तेरे को दुख नहीं है, है ही ऐसा, ये तो ये थोड़ी बहुत भी समझ तो है नहीं इसमें, और कुछ यदि इसमें समझ नहीं थी तो उनसे सलाह नहीं ले सकता था क्या। अभी इसके जो लाइफ में जो परिवर्तन दिख रहा है वो परिवर्तन क्या है, वो परिवर्तन ये श्रद्धा का परिवर्तन है। इस घर में रहते हुए भी उस घर के साथ में जुड़ान दिखाई देता है, यहां रहते हुए भी यहां सब पराया सा दिखता है, और वहां से दूर रहते हुए भी वहां सब कुछ अपना हो गया है। ये सम्यक दर्शन की स्थिति है, अंदर में श्रद्धा बदल गई है। ये गुणस्थान चौथे की स्थिति बतला रहा हूं मैं, कैसी स्थिति होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। बाहर में पकड़ने से बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी, हम कितनी कोशिश करें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन को पकड़ने की, कैसे पकड़ पाएंगे। कुछ सम्यक दृष्टियों का जीवन तो बहुत वैराग्यमय और तत्वमय दिखाई देता है, और कुछ सम्यक दृष्टियों का जीवन वो सिंह जैसा दिखाई देता है। अब शेर के जीव का सम्यक दर्शन और मनुष्य गति के जीव का सम्यक दर्शन कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं, नारकियों का सम्यक दर्शन और देवगति के जीवों का सम्यक दर्शन कैसे बराबर हो सकता है। कई प्रकार के सम्यक दृष्टियों की चर्चा करते हैं, एक सप्तम नरक का नारकी लड़ रहा है, कटरा पिट रहा है, मारपीट कर रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि, सप्तम नरक का नारकी सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने शेर का, शेर की पर्याय में
पांच मिनट पहले तक हिरण को फाड़ के खा रहा था, सम्यक दृष्टि। अब मनुष्य गति के सम्यक दृष्टि की बात तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन देवगति के जीवों में देखो आप, एक सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि है, भगवान के पंच कल्याणक मनाने के लिए आता है, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आता है, धूमधाम से सारे आयोजन करता है, जन्मोत्सव मनाता है, मेरु पर्वत पर ले जाता है, है उनके 1008 कलशों से अभिषेक होंगे, पूरा आयोजन, समोह चरण की रचना, गर्भ में आने के पहले से 15 महीनों तक रत्नों की बरसात, 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ अवस्था का काल, माने 15 महीने तक रत्नों की बरसात, भोजन की व्यवस्था, वस्त्रादि की व्यवस्था, उनके खान पान की, खेलने की व्यवस्था, कितना उन सब विकल्पों में उलझा हुआ है वो सौधर्म इंद्र, सम्यक दृष्टि है। एक सम्यक दृष्टि ऐसे जो पांचवें स्वर्ग में होते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में, ये कैसे सम्यक दृष्टि है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के दीक्षा कल्याणक के समय आते हैं लोकांतिक देव, आपने देखे होंगे कहीं कहीं पंच कल्याणक, अभी हम लोग टोरंटो में पंच कल्याणक करके आए हैं, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग और लोकांतिक देवों का आगमन, बाकी कल्याणक मनाने के उनका भाव ही उनके मन में नहीं आता है, सिर्फ वैराग्य में परिणति जिनके जीवन में दिखाई देती है, गुणस्थान चौथा है, और एक वे सम्यक दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि के देव, जो दीक्षा कल्याणक का प्रसंग हो, चाहे भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही हो, चाहे समोह शरण लगा हुआ हो, वो तत्व चर्चा से उठ करके आते ही नहीं है, समोह शरण में आने तक का विकल्प नहीं आता। आप देखिए कैसे सम्यक दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि वो भरत जी और बाहुबली जी दोनों क्या एक सम्यक दृष्टि जीव है, और जल युद्ध मल युद्ध चल रहा है उनके बीच में, एक वो चक्रवर्ती भरत 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए 60,000 वर्ष तक चला गया, इधर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई है और उधर वो 6 खंड जीतने के लिए चला गया, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है, कितने स्तर हो सकते हैं सम्यक दृष्टियों के, कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से सम्यक दृष्टियों का जीवन हो सकता है, इसलिए सम्यक दृष्टियों के जीवन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सम्यक दृष्टियों के जीवन का कोई पहनावा नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है कि ऐसा होगा, इस तरह का होगा, अरे सम्यक दृष्टि यानी जीवों की यदि पिक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो हम उसको पिक्चराइज नहीं कर सकते। हाँ, पंचम गुणस्थान वर्ती की बात होगी, व्रती श्रावक की बात होगी, प्रतिमाधारी श्रावक की बात होगी, तो अवश्य ये बात, ये काम हो सकता है। ये बात और आगे बढ़कर के यदि हम बात करें, व्रती श्रावक से ऊपर उठकर मुनिराजों के जीवन की बात होगी तो उनकी वेशभूषा दिखाई देती है, उनका जीवन हमारे को दिखाई देता है, सम्यक दृष्टियों का नहीं दिखेगा। ये मैंने थोड़ी बहुत आपको सम्यक दर्शन की रूपरेखा बतलाई है कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का जीवन किस प्रकार का होता है, समझ में आ रही है बात? हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल उठा सकता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, शस्त्र भी उठा सकता है, युद्ध भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, मारपीट भी कर सकता है, उसके जीवन में दूसरे जीवों की हिंसा भी हो सकती है। आपने शायद इस लाइन की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, 108 की ऊपर वाली लाइन है, सेकंड लाइन 108 पेज की, त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो, माने त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है, होती है, अविरत है, त्रस हिंसा का त्यागी तो है, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा उसके जीवन में हो सकती है। किस तरह की हिंसा का त्यागी है? शास्त्रों में 4 प्रकार की हिंसा कही गई है, संकल्पी हिंसा, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, 4 प्रकार की हिंसा है, हिंसा 4 प्रकार से होती है लाइफ में, उसमें सबसे पहले प्रकार की हिंसा का नाम है संकल्पी, संकल्प पूर्वक की गई हिंसा, वो संकल्पी हिंसा है, मैं इसको मार दूं, मैं इसको जान से मार दूंगा और उसको मार देना, ये संकल्प पूर्वक की गई हिंसा है, संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है। सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में संकल्पी हिंसा नहीं होती, एक मक्खी मच्छर भी यदि उसके सामने लाया जाए और कहे मार दो तो सम्यक दृष्टि यानी जीव उसको नहीं मार सकता, ये संकल्पी हिंसा का त्यागी है। लेकिन 3 प्रकार की हिंसा उसके जीवन में होती है, हो सकती है, कौन कौन सी? उद्योगी, आरंभी और विरोधी, ये 3 प्रकार की हिंसा सम्यक दृष्टियों के जीवन में हो सकती है। ये कैसी हिंसाएं होती है, किस प्रकार की हिंसा है? देखिए, एक है आरंभी हिंसा, एक है उद्योगी हिंसा,
और एक है विरोधी हिंसा। तीनों का स्वरूप किस प्रकार का है? देखिए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अभी घर में रहता है, परिवार में रहता है, तो नहाता भी है, कपड़े भी धुलते हैं, भोजन भी बनता है, आरंभादिक होता है, तो इस आरंभ में हिंसा भी होगी ना। इस आरंभ के कार्य में हिंसा होती है या नहीं? कपड़े धुलेंगे, है पानी बहेगा, नहाएगा, घर की साफ सफाई होगी, झाड़ू आदि लगेगी, तो उसमें कदाचित जीवों की हिंसा भी हो। तो ऐसी हिंसा को कहते हैं आरंभी हिंसा। इस हिंसा का त्यागी नहीं होता सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं होता। कौन सी हिंसा है ये? आरंभी हिंसा। दूसरे प्रकार की हिंसा है उद्योगी हिंसा। व्यापार करता है, बिजनेस करता है, काम करता है, कोई भी काम करे, किसी भी प्रकार का काम करे, लेकिन हिंसा तो उसमें होती ही है। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो चाहे ज्वेलरी का बिजनेस हो, है किसी प्रकार की दुकान लगाता हो, कुछ भी करता हो, सामानों को उठाना, धरना, रखना, आना, कितने सब काम होते हैं बिजनेस में, तो उन सब में हिंसा होती है। तो सम्यक दृष्टि यानी जीव उस दूसरे प्रकार की हिंसा का भी त्यागी नहीं। ये कौन सी चौथे गुणस्थान वाले की बात चल रही है सिर्फ? यहां चौथे गुणस्थान वाले की हिंसा के संबंध में ही बात कर रहे हैं अपन। ऊपर के गुणस्थान वालों के तो इनके भी त्याग होंगे। तो पहला हो गया कौन सा? आरंभी का त्याग नहीं है। दूसरा उद्योगी हिंसा का भी त्यागी नहीं है। और तीसरा प्रकार का विरोधी हिंसा भी उसके जीवन में हो सकती है। ये विरोधी हिंसा कैसी होती है कि यदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की लाइफ में यदि कोई डिस्टर्ब करेगा क्या, तो दूसरे लोगों से बचाव के लिए सुरक्षा की भावना से दूसरों की हिंसा हो सकती है उसकी लाइफ में। अस्त्र शस्त्र भी उठा सकता है विरोध करते हुए। जिन धर्म पर यदि कोई समझ लीजिए संकट आता है, धर्म पर, धर्मायतनों पर, मुनिराजों पर, ज्ञानियों पर, विद्वानों पर, कोई व्यक्ति यदि मंदिर में आकर के हमारे भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास करता है, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विरोध भाव करता हुआ उसके जीवन में हिंसा हो सकती है। यदि उसके परिवार पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है, फैमिली पर यदि किसी प्रकार का कोई संकट आता है, तो उसके बचाव के लिए सम्यक दृष्टि के जीवन में वो विरोधी हिंसा हो सकती है। रामचंद्र जी 6 महीने तक युद्ध करते रहे रावण के साथ में, वो विरोधी हिंसा थी। हिंसा करना उद्देश्य नहीं था, रावण की सेना को परास्त करना, उनके लोगों को मारना, तीर चलाना, ये कोई उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य तो अपनी वाइफ को सुरक्षित ससम्मान वापस लेकर के आना था, बस। उन्होंने तो बहुत प्रस्ताव भेजे थे लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। तो फिर ये जो अंत में जाकर के उन्होंने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, तुम यदि सीधे सीधे यदि उसे हमारे को वापस नहीं लौटाते हो तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। भले ही हमारे को युद्ध करना पड़े, भले ही सैकड़ों हजारों लोग मर जाएं, मार दिए जाएं, लेकिन हम अपने परिवार और परिवार वाले लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में विरोधी हिंसा भी हो सकती है। तीन हो गई, किंतु संकल्पी हिंसा नहीं होगी। संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेगा। संकल्पी हिंसा तो इतनी भी नहीं हो सकती कि यदि उसको दिख रहा है कि नीचे चींटी चल रही है तो उसकी चींटी के ऊपर पैर नहीं रख सकता हूं, ऐसे संकल्पी हिंसा का त्यागी है। हाँ ऐसा ही, पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से दूसरे का घात करना, नाश करना, उसको मार देना जान से, ये सब संकल्पी हिंसा है, इसका त्यागी होता है। देखिए अविरति का स्पष्टीकरण, अविरति क्या चीज है इसका स्पष्टीकरण यहां नीचे किया है। मैं आपको बतला दूं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में व्रत नहीं है। व्रत न होने को अविरति कहते हैं। अब किस प्रकार के व्रत नहीं है, किस प्रकार का उसका जीवन है, तो 12 प्रकार की अविरति कही है शास्त्रों में, जिसको इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के नाम से पुकारा गया है। 10 लक्षण धर्मों में अपने एक संयम धर्म है, 10 लक्षण धर्म है ना, उन 10 लक्षण धर्मों में एक धर्म है उत्तम संयम,
और उस संयम धर्म का अर्घ चढ़ाते समय उसके अर्घ में ध्यानंद राय जी ने कहा है, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। काय छहों प्रतिपाल, छह काय के जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और एक त्रस, ये छह काय है। इन छह काय के जीवों की हिंसा से विरक्ति नहीं है अभी उसके, ठीक है, इसलिए अविरत है। और पांच इंद्रिय और मन, इनके विषयों से भी विरक्त नहीं है। क्या कहा? छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है और पांच इंद्रिय और मन के विषयों के माध्यम से होने वाली प्रवृत्ति भी उसके जीवन में देखी जाती है, उसका भी उसके जीवन में अभाव नहीं है। यह सम्यक दृष्टि की दशा है। इसका नाम कहा अविरति, और इसी को यहां कहा गया है। चाहे तो पढ़ लेते हैं अपन, देखिए आप पेज नंबर 109, 109 पेज पर, यहीं से देखिए 108 के नीचे से। पंचेंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति और षट काय जीवों की हिंसा से अविरति या अविरति के बारे भेद है। उपयुक्त अविरति का किंचित भी त्याग इन जीवों को नहीं होता, इन जीवों को माने सम्यक दृष्टियों को, परंतु अविरति में प्रवृत्ति हेय बुद्धि से रहती है। देखो ऐसी बात नहीं है कि वो अविरति है तो वो सब उसके सब चलता है, कि नहीं नहीं करता तो है, प्रवृत्ति तो होती है, पंचेंद्रिय विषय भोग तो उसके जीवन में होते हैं, किंतु अंदर में उनके प्रति रस टूट गया है। नहीं मैं आ रही है बात, इसके लिए शब्द दिया हेय बुद्धि से रहती है, तथा आगम अनुसार सदाचार तो अवश्य उसके जीवन में होता ही है। स्पर्श अनादि पांच इंद्रियों के विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों में प्रवृत्त होना तथा यश प्रसिद्धि आदि पाप रूप विकल्पों में मन से प्रवृत्ति करना, इसे इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति कहते हैं। यह पांच प्रकार की इंद्रियों और मन से संबंधित छह भेद रूप अविरति हो गई। अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार छह प्रकार की अविरति तो पूर्व संस्कार वश हेय बुद्धि से रहती ही है। मैंने ये छह प्रकार की जो बात कही है प्राणी संयम की और छह प्रकार के इंद्रिय संयम की, ये उसके जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्व संस्कार वश उसके जीवन में इन सबके प्रति हेय बुद्धि बराबर वर्तती है। हम कई बार इस स्थिति को बतलाने के लिए उदाहरण देते हैं। बोलिए कुछ। संयम तो व्रत का, आपने उसको व्रत के साथ जोड़ा और वो जो हिंसा पांच पाप होते हैं उनके बारे में यहाँ सो नहीं चुका। हाँ नहीं है, क्योंकि होते हैं उसके जीवन में, पाप नहीं होते हैं। अभी अपन यदि उनके अतिचारों वगैरह की चर्चा करें तो वैसा उसके जीवन में कदाचित देखा जा सकता है। जैसे समझिए ऑफिस गए और ऑफिस के फोन से अपन ने अपने घर का काम किया, घर फोन मिलाया, तो ये चोरी है वास्तव में। आप गवर्नमेंट के पैसे की चोरी कर रहे हैं आप, तो ये ऐसी चोरी तो उसके जीवन में हो सकती है, ये कोई महापाप जैसा नहीं है जहां बैठेगा वहां से फोन कर रहा है। नहीं, व्रतियों के जीवन में वो भी नहीं होगा, ये अविरति है ना, तो ऐसा झूठ उसके जीवन में हो सकता है। तीन प्रकार की हिंसा की मैंने बात कही, वो उसके जीवन में हो सकती है, ऐसी चोरी हो सकती है, चोरी की बात कही, थोड़ा बहुत इस तरह का झूठ भी कदाचित हो सकता है जिसमें थोड़ी बहुत, जिसमें किसी का अहित न होता हो, इस तरह की बात। तो माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में ये पांच पाप रूप स्थिति वैसी स्थूल तो नहीं होगी जैसी पहले हुआ करती थी। स्थूलता में तो उन सबका त्याग है, लेकिन बाहर में थोड़ा बहुत उसके जीवन में ये सब दिखाई देता है। कठिन तो नहीं लग रही है बातें? हाँ होती है ना, विषयों में आसक्ति में थोड़ी बहुत कमी तो है ही, अंदर से ही यह है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है किसी को पीछे? कठिन तो नहीं लग रहा है कुछ? भाई मेरी कोशिश तो ये कि जितना सरल मैं उसको कर सकूं उतना सरलता से आप लोगों को समझाऊं, ठीक है ना। देखिए ये हो गए 12 भेद हो गए इसके, अभी तक तो 6 ही समझाए हैं, यहां 6 और नीचे समझाए हैं।
पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, जीवों को पांच स्थावर काय कहते हैं और एकेंद्रीय जीवों को अर्थात एकेंद्रीय जीवों को स्थावर कहते हैं। द्विइंद्रिय अधिक से लेकर सैनी पंचेंद्रीय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। पांच स्थावर हो गए, एक त्रस हो गए, इनको कहते हैं षटकाय। षटकाय जीव ने अनंते, इन्हें छह काय कहते हैं। अब वो नहाता है तो पानी ढुलता है ना, तो जल का एक जीवों की विराधना से बच नहीं सकता, पानी पीता भी है ढुलता भी है, ठीक है ना। ऐसी पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा उसके जीवन में होती है, नैसे ही घर के निर्माण की बात, घर भी बनाता है और मंदिर भी बनाता है, तो ये जो निर्माण आदि के जितने भी कार्य होते हैं इनमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा भी होती है। सचित्व फलादिक का भी सेवन करता है ना, तो ये वनस्पति का एक जीवों की हिंसा भी होती है, तो हवा के माध्यम से वायु का एक जीवों की हिंसा भी होती है, पंखे चलाता है, हवा करता है, तो ये इससे वायु का एक जीवों की हिंसा भी होगी। मेरा कहने का मतलब, और अग्नि जलाएगा तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा भी होगी, भोजन आदि पकाएगा, खाना बनाएगा, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों प्रकार के स्थावर जीवों की किंचित विराधना जो योग्य है उसके जीवन में, जो अशक्य है, जिसके बिना रहा नहीं जाता है, वो सब उसके जीवन में होती है, ठीक है। चलिए देखिए परिणामों की विचित्रता की बात यहां बतलाते हैं, पेज नंबर 109 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है शायद। देखो परिणामों की विचित्रता, कुछ विचित्र बात, कुछ स्पेशल बात कहना चाहते हैं। सम्यक दर्शन हो गया है, बीच बीच में यथा योग्य कालावधि व्यतीत होने पर आत्मानुभव भी होता है, ग्रहित तथा अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव तो हो ही गया है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक आंशिक वीतरागता प्रकट हो गई है, जीवन अन्याय अनिति और अभक्ष्य से रहित है। अभी ये अनिति अन्याय अभक्ष्य क्या चीज है और अनिति अन्याय अभक्ष्य से रहित अपना जीवन कैसा होना चाहिए, सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा में भोजन के बाद वाले सेशन में लेने वाला हूं, वो अपन लोगों के लिए। अभी चर्चा चल रही है सम्यक दृष्टियों की क्या, और भोजन के बाद, क्योंकि अभी तो भूखे पेट है ना आप लोग, क्या भोजन के बाद में जब आप बैठेंगे तो फिर अपन चर्चा करेंगे। मतलब वो क्या होता है कि वो कहते हैं ना बलि का बकरा, पहले खूब खिलाओ पिलाओ क्या, फिर उसके बाद में देखेंगे, तो पहले आप भरपेट भोजन कर ले, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए। नहीं वो सब उड़ा देंगे हम, ऐसी चर्चा करेंगे कि हो सकता है रात को भी नहीं आए। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, उसके जीवन में अनिति अन्याय अवक्ष्य का तो त्याग हो ही गया है, अनंत संसार को शांत अर्थात सीमित किया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने, अनंत संसार का अंत आ गया है। अब हमने कल परसों चर्चा की थी ना, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन दोपहर वाले सेशन में बात हुई थी, माने वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक अभी भले ही संसार में परिभ्रमण करे तो भी भव समुद्र का किनारा आ गया है, वो संसार अनंत नहीं रहा। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो अब उस जीव के मोक्ष की गारंटी हो गई, अब वो जीव अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करेगा। तथापि 12 प्रकार की अविरति होते हुए भी मोक्ष की साधना करने वाला साधक के पुरुषार्थ की कमी से यह जीव इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के अभाव के कारण अविरत ही है। इंद्रिय संयम का अभाव है और प्राणी संयम का अभाव है, इसलिए ये जीव अभी अविरत है, व्रती नहीं है। प्राणी संयम का मतलब वही पांच छठ काय के जीवों की विराधना उसके जीवन में हो जाती है, और इंद्रिय संयम तो बतला ही दिया, पांच इंद्रियां और मन, कुल मिलाकर के 12 चीजें हो गई, पांच स्थावर एक त्रस, उनकी हिंसा जीवन में कदाचित हो, और पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति और मन के संकल्प विकल्प, छह ये, तो इस तरह से 12 प्रकार से अविरति उसके जीवन में दिखाई देती है।
मैं कहता हूँ कई बार ये सब होते हुए भी ये उसके जीवन में हो रही है, तो इससे हमारे को किंचित भी स्वच्छंदता अंगीकार नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि उसके जीवन में ही होती है तो हम तो मिथ्या दृष्टि, हम तो कर ही सकते हैं, हमारे में क्या फर्क पड़ता है, हम तो कोई भी खाएंगे पिएंगे कैसे भी रहेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। भले ही उसके जीवन में अविरति है, भले ही उसके जीवन में असंयम है, तथापि वो सारी के सारी प्रवृत्तियां किस प्रकार होती है, तो हम उसके लिए उदाहरण देते हैं। समझ लीजिए कोई जीव बीमार है, कोई व्यक्ति, अब वो बीमार व्यक्ति की भोजन में प्रवृत्ति और बीमार व्यक्ति के द्वारा लिया गया दवाई का सेवन, इन दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है? हो सकता है सेवन दोनों का एक प्रकार हो, लेकिन अंदर की मान्यता में दोनों में फर्क है। भोजन कर रहा है पेट भरने के लिए, स्वाद लेकर के, इच्छा से, रुचि पूर्वक, और दवाई ले रहा है दवाई लेने के लिए नहीं, दवाई लेना बंद करने के लिए। दवाई लेते हुए भी दवाई के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, दवाई लेते हुए भी दवाई के प्रति रस नहीं है, दवाई लेते हुए भी दवाई को छोड़ने का भाव निरंतर चलता है। बोलो कैसा होता है महेश जी जीवन में? आप दवाई लेते हो कुछ, किस लिए लेते हो? आप कभी ये सोचते हो ये दवाई तो अपने को परमानेंट चलती ही रहे, या कभी डॉक्टर से पूछते हो डॉक्टर साहब और कितने दिन, और कितने दिन चलेगी? दवाई लेते हुए भी क्या चाहता है, कब बंद हो, कब छूट जाए, कब इस दवाई से पीछा छूटे। और भोजन के बारे में कभी ऐसा सोचता है कि कब भोजन से पीछा छूटे? कभी ऐसा लगता है कि मेरा भोजन करना कब बंद हो जाए? एक आध दिन बंद हो जाए तो डॉक्टर के भागता है, ये डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। कोई ऐसा वैद्य के पास में जाता है, कोई ऐसा चूर्ण दे दो जिससे भूख लगने लग जाए, कोई ऐसा टॉनिक बतला दो जिस टॉनिक के पीने के बाद में भूख लगने लग जाए हमारे को, तो भूख नहीं मिटाना चाहता। यहां सम्यक दृष्टियों की भी ऐसी दशा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हैं, लेकिन कैसे, दवाई की तरह, भोजन की तरह नहीं, तीव्रता कम हो गई है, आसक्ति कम हो गई है। मैं उनकी पकड़ के लिए कई बार उदाहरण देता हूं बिल्ली का। बिल्ली कई बार चूहे को पकड़ती है और उसके बच्चे हुए हो तो अपने बच्चों को भी पकड़ती है, अपने दांत से पकड़ती है, अपने मुख में पकड़ती है और पकड़ करके चलती है। रोड क्रॉस करना हो उसे तो वो चूहे को पकड़ करके भी रोड क्रॉस करती हुई ले जाए, और अपने मुंह में अपने बच्चों को जिनको अभी चलना नहीं आया है, जिनका अभी जन्म हुआ है, उनको अपने मुख में पकड़ करके चलती हुई रोड क्रॉस करे, तो दोनों पकड़ में कुछ फर्क है या नहीं है? फोटो खींचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्हीं दांतों से, उन्हीं पंजों से, उन्हीं दोनों सामने के चार दांतों के बीच में उसने चूहे को भी पकड़ रखा है और उन्हीं चार दांतों के बीच में अपने बच्चे को भी पकड़ रखा है। पकड़ पकड़ में फर्क है। चूहे को किस आसक्ति से पकड़ा है, खाने के लिए पकड़ा है, भोजन समझ करके पकड़ा है, और अपने बच्चे को ऐसे पकड़ती है कि जिसको पकड़ने पर उसके खरोंच भी न आवे। चूहे को ऐसे पकड़ती है कि चारों दांत उसके पेट में है, और अपने बच्चे को ऐसे पकड़ती है कि रंच मात्र उसको तकलीफ ना हो। ऐसी पकड़ की बात है। पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति पकड़ सम्यक दृष्टि जीव की कैसी है, कि उन विषयों के प्रति पकड़ ऐसी है बिल्कुल जैसे नहीं पकड़ रखा हो। ये ज्ञानियों की दशा होती है। और हमारी पकड़ कैसी होती है, जैसे भोजन में आसक्ति होती है ऐसी पकड़ दिखाई देती है। ये दोनों में फर्क है, इसलिए इन्होंने यहां कह दिया। हे बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था 109 पेज पर, अपन ने पढ़ी थी ये लाइन, अभी शब्द तो पढ़ लिया था। हे बुद्धि रहती है, अविरति तो है, व्रत तो नहीं लिए है, संयम तो नहीं लिया है, भोग भी भोग रहा है, लेकिन भोगों में प्रवृत्ति हे बुद्धि से उसके जीवन में दिखाई देती है। बड़ी अलग तरह की स्थिति है भाई सम्यक दृष्टि के ज्ञानी जीवन की। देखिए आगे इसकी चर्चा गोमट सार नामक ग्रंथ में किस प्रकार की है, पेज नंबर 110। और थोड़े से ये टेक्निकल शब्द हैं यहां, है ना, तो जिन्होंने कभी ना सुने हो, पीछे बहुतों ने नहीं सुने होंगे, तो वो 10-5 मिनट के लिए उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करें, क्योंकि जब दोबारा सुनेंगे ना तो वो समझ में आएंगे। अभी भी कोशिश करना समझ में कितना आता है देखते हैं अपन।
110 पेज। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से असंयत होने पर भी 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक क्षायिक तथा क्षयोपशमिक भावों को अविरत सम्यक् गुणस्थान कहते हैं। कठिन तो नहीं है वैसे, समझ में तो आ जानी चाहिए बात। क्या कहा है? अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय, ये कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, इसका उदय है, इसलिए अभी व्रति नहीं हुआ है, देश व्रति नहीं हुआ है, और इसके साथ में या तो 5 प्रकृतियों का क्षयोपशम हो गया होगा, या 6 का हो गया होगा, या 7 का हो गया होगा। अपन ने जो 7 कही थी ना, उनमें 7 में से किसी के 5 भी हो सकती है, किसी के 6 भी हो सकती है, और किसी के 7 भी हो सकती है। बता सकते हैं आप लोग कोई, 7 किसके होगी और 5 किसके होगी? मिथ्या दृष्टि कहो ना, सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 5 कर्म प्रकृतियां और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के 7। अब 6 कैसे बनेगी? क्षयोपशमिक के बारे में इन्होंने 6 की चर्चा कर दी और 1 का उदय रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो देशघाती प्रकृति है, सम्यक्त मोहनी है, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो कदाचित 5, कदाचित 6 और कदाचित 7 इन प्रकृतियों के अभाव स्वरूप अनुदय स्वरूप सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। देखिए फिर अप्रत्याख्यानावरण क्या चीज है, अप्रत्याख्यान किसे कहते हैं, नया शब्द आया ना एक अप्रत्याख्यानावरण, तो इन्होंने कहा अशब्द का अर्थ है किंचित और प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है त्याग। तो जो कषाय कर्म किंचित भी त्याग न होने दें, होने में निमित्त है, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। जो किंचित भी त्याग नहीं होने दे रहा, और जैसे उदाहरण देके बतला दिया, जब तक अपने पुरुषार्थ की हीनता से किंचित भी अर्थात अणुव्रत रूप भी संयमा संयम भाव प्रकट नहीं करता, अथवा महाव्रत रूप संयम भाव भी प्रकट नहीं करता, तब अप्रत्याख्यानावरणादि कषाय कर्मों का निमित्त रूप से उदय रहता है। ऐसे सम्यक दृष्टि को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। हम जानते हैं भाई, इतनी बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि भाई वो अणुव्रति नहीं है, महाव्रति नहीं है, प्रत अंगीकार नहीं है, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि है। अब सम्यक अपेक्षा से इन्होंने कुछ विचार किया है, इन्होंने यहां 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों में कुछ तुलनात्मक बातें कही है जो अभ्यासियों के लिए जानने योग्य है। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं ना, औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक। अब इन्होंने कहा इन तीनों में कोई अंतर है क्या, इन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में, औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक में? तो कहा इनमें कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है। समानता क्या हो सकती है कि तीनों ही सम्यक दर्शन है, ये तो समानता है। तीनों का गुणस्थान 4 है, ये भी समानता है। हां इनमें कुछ अंतर है, वो अंतर क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला अंतर तो बतलाया क्षायिक सम्यक दर्शन और दूसरे सम्यक दर्शन में, कि क्षायिक सम्यक दर्शन की स्थिति तो ऐसी है कि जिसके होने के लिए त्रिकरण रूप परिणाम होते हैं। क्या क्या कहा? त्रिकरण रूप परिणाम, अधेकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, इनको त्रिकरण कहते हैं। मैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा अभी, अपन जब अलग से सेशन जब होगा अपना, जिसमें 5-7 लोग अपन जिनको विशेष जानने की जिज्ञासा है, तो अपन फिर उस समय इसकी चर्चा कर सकते हैं, है ना, अधेकरण अपूर्व करण अनिवृत्तिकरण की क्या स्थितियां बनती है। वो तो करणानुयोग का बहुत सूक्ष्म विषय है। कब होता है वो? कि एक तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में हुआ, तो उपशम सम्यक दृष्टि के तो एक बार होगा। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए भी होता है और दर्शन मोह की क्षपणा के लिए भी होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए। तो ये एक फर्क बनता है दोनों प्रकार के सम्यक्त्व में, त्रिकरण रूप परिणामों का, है ना। फिर और भी फर्क है, कि क्या फर्क है कि औपशमिक सम्यक्त्व जो है ये सम्यक्त्व तो अंतर्मूर्त मात्र के लिए रहता है, जबकि क्षायिक सम्यक्त्व के जीवन में इन 7 कर्म प्रकृतियों की सत्ता ही नहीं है। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के इन 7 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है,
और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव के उनकी सत्ता नहीं है, क्योंकि उसने उनका क्षय कर दिया है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव के गुण श्रेणी निर्जरा कही गई है। और पूर्व में मनुष्य त्रियंचायु का बंध न होने की दशा में उसी भाव में अथवा तीसरे भाव में क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष होता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव अल्प काल में अर्थात तीन चार भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। क्षयोपशमिक सम्यक की थोड़ी सी अलग दशा है। इसमें कहा चलमल अगाढ़ दोष हो जाते हैं, इसके नाश होने में थोड़ा सा देर लगती है। इसके जो सम्यक्त्व है वो पल्ले के असंख्यातवें भाग बार भी छूट सकता है। त्रिकरण परिणाम जरूरी नहीं है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, इस तरह की बातें हैं इस क्षयोपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में कही गई है। देखिए अब सम्यक्त्व का काल, ये भी थोड़ा सा एक अच्छा प्रकरण है जो याद रखने योग्य है। ये सम्यक दर्शन कितने लंबे समय तक बना रहता है, क्या कह रहे हैं यहां देखिए कैसी स्थिति है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना है, मैं पढ़ूंगा ये पूरा प्रकरण धीरे धीरे, तब समझ में आएगा आपके, फिर याद भी अपन बुद्धिपूर्वक याद करने की कोशिश करेंगे तो याद भी रहेगा। औपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल तथा उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त ही है, बराबर। ये तो औपशमिक सम्यक्त्व का काल याद हो गई बात, ये तो अपने दूसरे गुणस्थान की चर्चा करते समय भी बतलाया था कि काल अंतर्मूर्ति है। फिर नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल मात्र अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। क्या 66 सागर तक क्षयोपशम सम्यक्त्व बना रहे, क्षयोपशम ही रहे, क्षयिक में न बदले और छूटे भी नहीं, तो 66 सागर उसका उत्कृष्ट काल कहा गया है। अब बीच में एक कंडीशन बनती है कि यदि वो बीच में छूट जावे अंतर्मूर्त के लिए और फिर दोबारा क्षयोपशम सम्यक्त होवे तो 66 सागर तक दोबारा रह सकता है। इस तरह से बीच में अंतर्मूर्त छूटने पर 66 पहले और 66 बाद में 132 सागर का इसका काल क्षयोपशम सम्यक्त का हो सकता है। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात। क्षयोपशम सम्यक्त्व का काल 132 सागर भी हो सकता है, इसलिए ये कहा है क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव तीन चार भाव में नियम से मोक्ष चला जाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व यदि सम्यक दर्शन नहीं छूटे तो 15 भाव में उसके मोक्ष जाने की गारंटी दी है शास्त्रों में, 15 भाव में मोक्ष की गारंटी है। और यदि सम्यक दर्शन एक बार छूट गया तो दोबारा तो होगा, क्या वो सम्यक दर्शन कब होगा और कितना लंबा समय लगे तो उसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात भी कही गई है। देखिए जरा 112 नंबर पेज पर, प्रथम बार औपशमिक सम्यक्त होने के बाद एक बार मिथ्यात्व में जाना अनिवार्य है क्या, प्रश्न उठाया है। ऐसा समाज में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं चलती है कि क्या ये अनिवार्य है क्या, तो कहा नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं नहीं साहब, औपशमिक सम्यक्ति हुआ तो एक बार तो उसको नीचे गिरना जरूरी ही है, धवला का प्रमाण देकर के बात कर रहे हैं, गिरना जरूरी नहीं। प्रथम बार औपशमिक सम्यक्त्व होने पर कुछ जीव मिथ्यात्व में जा सकते हैं, किंतु मिथ्यात्व में जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर जीव क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बतलाना चाह रहा हूं इन सात प्रकृतियों के संदर्भ में। ये जो सात प्रकृतियां कही थी ना अभी, चार और तीन, याद है ना सबको, किस किस को याद है, हाथ खड़े कर सकते हैं। ओ बहुत हाथ खड़े हुए, सात हैं कुल। वापस बोलता हूं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, ये तो याद हो गया सबको, चार याद हो गई, चार तो सबको याद हो गई। अच्छा जिनको चार भी याद नहीं है वो हाथ खड़ा करें, चार तो सबको याद है ना। अब इसके बाद में एक मिथ्यात्व, पांच नंबर, फिर सम्यक मिथ्यात्व, छह हो गई, और एक सम्यक्त्व प्रकृति, ये सात है।
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ये सात हैं। अब इन सातों की क्या पोजीशन बनती है सम्यक दृष्टि की लाइफ में? सात में से यदि चार में से किसी का भी उदय आ गया, अनंतानुबंधी क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, किसी का भी उदय आ गया, तो गुणस्थान चौथे से गिरकर दूसरा हो जाता है। क्या कहा? ये सात थी ना उनके जीवन में। अब इन सात में से यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी उदय आ जाए तो गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अच्छा आगे बढ़ो, चार के बाद में पांचवी कौन सी थी? पूछना है कुछ बोलिए। आता है सर, आ जाता है। दूसरा और तीसरा गुणस्थान जो है ना, ये गिरते समय ही होते हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं गिरेगा। सम्यक दर्शन तीन प्रकार के हैं ना, उसमें एक क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन कभी भी गिरता नहीं है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन कभी भी छूटता नहीं है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन हमेशा बना रहता है, वहां से नहीं गिरेगा फिर। लेकिन उपशम से उपशम वाला गिर सकता है। अभी देखिए आप, सात की बात कर रहे थे अपन, अब इन सात में से चार की बात हो गई, चार कर्म प्रकृतियों का अभाव होगा तो कौन सा? दूसरा गुणस्थान। अब पांचवे प्रकृति कौन सी थी? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो कौन सा गुणस्थान? पहला गुणस्थान आ सकता है। मिथ्यात्व पढ़ा है ना अंदर में, मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला गुणस्थान, अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आए तो दूसरा गुणस्थान, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा गुणस्थान। क्या समझ में आ रही? सब गुणस्थान ही समझ में आ गए इससे तो, इन सात कर्म प्रकृतियों से। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला गुणस्थान, ठीक है, और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए लेकिन मिथ्यात्व का न आया हो तो दूसरा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा गुणस्थान। छह निपट गए यहां तक, छह कर्म प्रकृतियां। और अब सातवीं जो कर्म प्रकृति है उसका नाम क्या है? सम्यक्त्व प्रकृति। इसके उदय में क्या स्थिति होगी? तो कहा इसका उदय आ जावे तो गुणस्थान गिरता नहीं है, चौथा गुणस्थान ही मेंटेन रहता है, थोड़ी बहुत मलिनता हो जाती है लाइफ में, थोड़ी बहुत। इसका नाम है सम्यक्त्व मोहनीय। क्या? इस प्रकृति का नाम क्या है? सम्यक्त्व मोहनीय। ये प्रकृति देशघाती प्रकृति है ना, बाकी छह तो सर्वघाती थी, इसलिए बाकी छह ने तो घात कर दिया, गुणस्थान गिरा दिया। ये देशघाती प्रकृति है, माने ये गिराने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये देशघाती सर्वघाती की चर्चा तो कुछ लोगों को ही पता है। कह सकते हैं क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक बिल्कुल, उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं एक्चुअल में, इस प्रकृति के उदय में। इसको बनारसीदास जी ने नाटक समय सार में और घूमट सार में भी इसको वेदक सम्यक्त्व कह करके इसकी तीन स्थितियां बतलाई है, उपशम वेदक, क्षायिक वेदक और क्षयोपशम वेदक। माने छह कर्म प्रकृतियां दबी है और अकेली एक उदय आई है तो उसे कहेंगे उपशम वेदक, सम्यक्त्व मोहनीय। छह कर्म प्रकृतियां नष्ट हो गई और अकेली एक का उदय है तो कहेंगे क्षायिक वेदक, और छह में से कुछ का क्षय और उपशम था और एक का उदय था इसका सम्यक्त्व मोहनी का, तो उसको कहेंगे क्षयोपशम वेदक। ख्याल में आ गई बात? कठिन तो नहीं है ये? सात प्रकृतियों का पूरा चक्कर समझ में आ गया क्या है? अभी पहली बार जिन्होंने सुना है उनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, शब्द नए हो सकते हैं, लेकिन बात वास्तव में समझने योग्य थी और मजा आता है कई जो अभ्यासी है उनको तो ऐसी बातें सुनने में कि वो सात, मतलब सात में से किस किस का उदय आ जाए। चारों गुणस्थान बतला दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों गुणस्थान की स्थिति। हाँ बोलिए सर, पीछे लास्ट। अब ये इसकी तो चर्चा मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा। क्या? एक बात तो ये कि आपको समझ में आता आया नहीं है, ठीक है, दूसरी बात ये कि आप अभ्यास करते नहीं है,
और तीसरी बात ये कि इस सेशन में भी आप बहुत देर से आए हैं। फोन तो यहाँ कुछ चालू नहीं है अभी तो। अच्छा ऊपर है, अच्छा कॉन्फ्रेंस में है और भी बहुत सारे लोग, इट्स फाइन, अच्छी बात है। यहीं भी संख्या कम नहीं है, पूरा हॉल भरा है आज तो, संख्या बहुत है। चलिए खैर नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे लंच के बाद, है ना। देखिए एक तो काल की अपेक्षा से अंतर है और कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से अंतर है। उपशम सम्यक तो अंतर्मूर्त का काल है। कौन सी तीनों प्रकृतियां? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी, इन तीनों कर्म प्रकृतियों का। देखिए मिथ्यात्व तो ऐसा है जो उल्टी मान्यता है। एक्चुअल में जब सम्यक दर्शन हुआ था तो वो मिथ्यात्व जो था ना हमारे अनादिकालीन, उसके टुकड़े हुए, अब तीन टुकड़े हुए। जैसे कई बार क्या होता है, वो जो सर्दियों के दिनों में जो लड्डू बनते हैं ना, क्या जो दांत से टूटते नहीं है एकदम, अब ऐसे लड्डू हैं जिसमें घी के कारण वो बहुत जम गया है, तो आप क्या करते हैं उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो तोड़ने पर आप कल्पना करें कि एक तो बहुत बड़ा पार्ट रह गया और एक उसमें से छोटा सा टुकड़ा, एक पीस, और एक कुछ और उसमें से कण खिर गए, तो तीन भाग माने आप। तो जो बड़ा पार्ट था उसका नाम है मिथ्यात्व। अभी लड्डू को मिथ्यात्व नहीं समझना क्या? उसका जो छोटा हिस्सा जो था वो था सम्यक मिथ्यात्व जैसा, और तीसरा जो था ना जो खिर गया था वो है सम्यक प्रकृति जैसा। ये तीन हिस्से हो गए। अब वो जो मिथ्यात्व है वो इतना पावरफुल है, अभी ये तीनों दबी हुई है, जब सम्यक दर्शन हो गया तो किसी का भी उदय नहीं है। मिथ्यात्व तो बहुत पावरफुल है, उसका उदय आ जाएगा तो सीधा गुणस्थान नीचे गिर जाएगा, पहले गुणस्थान में आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मैंने विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, अपने बारे में भी भ्रम उत्पन्न हो गया, वो मिथ्या दृष्टि जीवों की दशा है, वो तो है मिथ्यात्व प्रकृति। फिर दूसरी है सम्यक मिथ्यात्व। अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ऐसी है जिसके लिए कल मैंने कहा था हिलता हुआ दांत, कल शाम वाले प्रवचन में चर्चा की थी, हिलते दांत की जैसी स्थिति है, वृक्ष से फल टूटने की जैसी स्थिति में हो गया, एकदम लटक गया। अब ये सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति, अब देखने वाले को तो ऐसा लग रहा है कि गिरा के नहीं गिरा, ये दोनों तरह की स्थिति सी लग रही है, गिरा या नहीं गिरा, क्या हुआ, गिर भी सकता है और संभल भी सकता है लेकिन अभी मजबूत नहीं है। तो श्रद्धा जो थोड़ी बहुत विचलित हो गई और उसमें किंचित मिथ्यापना आ गया, ये सम्यक मिथ्यात्व की दशा हो गई, ये मिश्र अवस्था, ये तीसरे गुणस्थान की स्थिति बनती है। ये प्रकृति थी दूसरी वाली जिसका नाम था सम्यक मिथ्यात्व, और एक तीसरी और प्रकृति कही जिसे कहा सम्यक्त्व मोहनीय। ये तो देशघाती प्रकृति है जो नुकसान नहीं पहुंचाती, इसके उदय में चलमल अगाढ़ दोष होते हैं, कभी शब्द सुने हो तो, किंचित मलिनता है ना, मतलब थोड़ा बहुत कुछ समझ लो, थोड़ा किंचित ब्रह्म जैसी दशा हो गई उसकी, गुणस्थान नहीं गिरेगा, गुणस्थान चौथा ही रहेगा। तो ये तो इन तीनों प्रकृतियों में अंतर है। और जहां तक सम्यक्त्व के अंतर का सवाल है, सो चर्चा तो अपन कर ही चुके हैं पीछे। किसका जीव है उसका सम्यक अभी भी निर्मल है, और जस ये जो प्रकृति का उदय है इसका क्या तात्पर्य है, वो तो सम्यक। भाई श्रद्धा की अपेक्षा से बात की जावे तो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन एक जैसे ही है, श्रद्धान की अपेक्षा से। तो अंतर किस अपेक्षा से है कि कर्म की अपेक्षा से देखो तो अंतर दिखाई देता है। एक के कर्म दबे हुए हैं, एक के कर्म कुछ दबे हुए और कुछ नष्ट हो गए हैं, और एक के कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। सारे कर्मों की बात नहीं कर रहा, कोई भगवान नहीं बन गया, कहीं कोई ऐसा नहीं समझ ले रहे कि वो सम्यक दृष्टि के बारे में कह रहे थे, एक ऐसा सम्यक दृष्टि होता है जिसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे नहीं, सिर्फ सात, सिर्फ सात प्रकृतियों की बात कर रहे हैं अभी अपन। अभी बाकी तो सारे कर्म उसके लाइफ में है ही, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि सभी कर्म उसके जीवन में मौजूद है, अभी वो कोई भी नष्ट नहीं हुए हैं।
हाँ कुछ कर्म प्रकृतियों का संवर आदि हुआ है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा है 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो गया है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी 25, कुल 41 कर्म प्रकृतियों का संवर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। तो यहां अभी तक अपन ने जो चर्चा की है इस चौथे गुणस्थान के संदर्भ में, उसमें इतनी बात याद रखने योग्य है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में श्रद्धा बदल गई, अभिप्राय बदल गया, मान्यता बदल गई, विश्वास मजबूत हो गया, अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करने लगा, शरीर से भिन्न अनुभव करने लगा, अपने आप को चैतन्य आत्मा स्वीकार करने लगा, भगवान पर भरोसा है लेकिन भगवान भला कर देंगे ये भरोसा नहीं है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की श्रद्धा है। भगवान का क्या स्वरूप है, शास्त्र का क्या स्वरूप है, मुनिराजों का क्या स्वरूप है, ऐसे देव शास्त्र गुरु का वास्तविक स्वरूप उसके हृदय में श्रद्धा के स्तर पर बहुत मजबूती से ग्रहण करने में आ गया है। यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, ये सब परिवर्तन कहां हुआ है, अंदर में, बाहर में नहीं। इसलिए किसी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को देखकर या किसी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की चर्चा सुनकर उसके बाह्य आचरण से बहुत अधिक निर्मलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन बहुत अधिक निर्मल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी संसार समुद्र का किनारा आ गया है, क्योंकि मोक्ष मार्गी हो गया है वो। सम्यक दर्शन माने मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। इस सम्यक दर्शन से होने वाले लाभ की चर्चा भी हमने बहुत की है पीछे, और कल भी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के आगामी 3-4 सेशन जो हैं अपने और जो बचे हुए उनमें अपन इस चौथे गुणस्थान की चर्चा नहीं करने वाले हैं। अब चौथा गुणस्थान किन जीवों के हो सकता है, चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और हम क्या प्रयास करें, हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, पात्रता कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा तो करेंगे क्या। फिर एक सेशन आज ऐसा भी है जिसमें अपन नयों की चर्चा होगी, नए वाली चर्चा होगी, और एक सेशन में तत्वार सूत्र की चर्चा होगी, है ना। हाँ ये कार्यक्रम है ना इस तरह का। सुबह तो अपना पूजन हो ही गई 9:30 से 10:30, फिर 10:30 से 12:30 तक का जो टाइम था अपना, ये अपना टाइम था इसका चौथे गुणस्थान के संदर्भ में, लगभग 12:30 तक का टाइम, फिर 1:30 बजे तक लंच, और 2 बजे से अपना टाइम है 2 से 3:30, जिसमें अपन निश्चय व्यवहार नयों की चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर प्रकरण चलेगा 1.5 घंटे। फिर उसके बाद में ब्रेक है, टी ब्रेक, और फिर उसके बाद में चर्चा होगी मुमुक्षु की पात्रता के बारे में, वो चर्चा होगी टी ब्रेक के बाद जो है 4:15 से 6 बजे तक, लगभग 1.5-2 घंटा मुमुक्षु की पात्रता के संदर्भ में बात करेंगे। ये काफी सवाल जो अभी उसमें जितने सवाल अभी उठ रहे हैं ना, इन सब की चर्चा होने वाली है टी ब्रेक के बाद वाले में। और इसके पश्चात है 6:30 से 7:30 तक डिनर, और 7:30 से 9 बजे तक तत्वार्थ सूत्र के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। इस तरह ये आज का कार्यक्रम है, तो आप लोगों के उपयोग में रहे ये सब बात। अभी जो अपन ने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में चर्चा की है, बहुत उत्कृष्ट जीवन होता है, बहुत विशिष्ट जीवन है इसका, लाइफ इसकी बदल गई है, जीवन इसका बहुत महान हो गया है, क्योंकि देखिए सब कुछ डिपेंड करता है अंदर पर, बाहर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से जो बदल गया है ना, अब उसके बाहर के बदलने में देर नहीं लगेगी। आप ये नहीं समझे कि साहब सम्यक दर्शन तो सिर्फ अंदर की क्रांति का नाम है, बाहर में तो कुछ नहीं हुआ है, आप घबराएं नहीं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब व्रत भी होंगे, अब संयम भी होंगे, अब अणुव्रति भी होगा, अब महाव्रति भी होगा, मुनि भी बनेगा, श्रेणी भी चढ़ेगा, और अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति भी करेगा। ये सारी बातें उसके जीवन में घटित होंगी, लेकिन अभी क्या हुआ है सिर्फ वो बात देखी है अभी हमने, अभी कितना परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला परिवर्तन अंदर में, तो अंदर से परिवर्तन हो गया, मन में परिवर्तन हुआ, श्रद्धा में परिवर्तन हुआ, तो फिर परिवर्तन होगा भाषा में, और फिर परिवर्तन होता है जीवन में।
इसलिए जीवन सुधारने के लिए भाषा सुधारना और भाषा सुधारने के लिए मन में भी सुधरना, मन से सुधरना और उसके लिए भी श्रद्धा का परिवर्तन होना सो बहुत जरूरी है। हम सभी जीवों की श्रद्धा परिवर्तित हो, मान्यता बदले, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन हो, इसी मंगल भावना से मैं अभी वाले इस सेशन को विराम देता हूं। अब दो चार महीने बैठे रहिए, बाद में लंच शुरू होगा। कार्यक्रम इस प्रकार है।